हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है शीतला सप्तमी और कल का जो ठंडा खाना बचा हुआ है वो अभी हम पूजा करने के लिए जाने वाले हैं। और आज मम्मी और हम दोनों थोड़े जल्दी उठ के सारे काम हमने जल्दी से फ्री कर दिए। 9:30 होने वाली है, अभी 9:14 हो गई है। इससे पहले हम फटाफट से हो जाते हैं तैयार और 9:30 बजे के बाद हमको जाना है मंदिर। खाना वगैरह तो हम वहाँ जाके नहीं पूजा करते, सिर्फ हम पूजा करने की सामग्री ले जाते हैं और माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी मम्मी, प्लेट वगैरह सब कंप्लीट ले ली है, उसके अंदर अब जो जो चाहिए पड़ेगा वो ले लेंगे। मम्मी दीवो नहीं लेने जगह ने दी लेने जगह खाली बस दीवो तो आपने क्या करे दीवो करो। तो अभी आज दिया नहीं लगेगा, घर पे तो पूजा की है बट माता जी शीतला माता के दिया नहीं लगेगा, इसलिए पूरा आज का आपको प्रोसेस बताते हैं जो पूजा का है वो। और एक बार तैयार हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरी पूजा हो गई, मम्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैं हो चुकी हूँ तैयार, मम्मी भी हो चुकी है तैयार। मम्मी मिट्टू को इनको खाना दे रहे हैं और प्लेट भी कर दी है तैयार मम्मी ने, प्लेट ये रही, साथ में ये बैग भी ले लिया है, कुछ तो ज़रूरत का सामान रहेगा तो इसमें डाल देंगे। ये पूरा पूजा पे का सामान ले लिया है और थोड़ा बहुत जो भी पूजा पे का सामान रह गया है वो मार्केट से जहाँ हम मंदिर जा रहे हैं वहाँ बीच में आएगा तो खरीद लेंगे। तो पूरी कंप्लीट तैयारी होगी, अब निकलते हैं। सब जने भी रेडी हैं एक एक करके। मैं ये वाला कैमरा रख देती हूँ, गोप्रो ले लेती हूँ साथ में। गोप्रो को मैंने सेट कर दिया है, अलार्म भी बज गया है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, बस ये व्रत चालू होते हैं और साथ साथ में बारिशें भी चालू हो जाती है, साड़ियों की तो खैर निकल जाती है, इसलिए मैंने मम्मी दोनों ने वॉशेबली साड़ी पहनी है, गंदी होगी तो भी चलेगा। मम्मी और आंटी जी चले गए बाइक पर क्योंकि दोनों को चला नहीं जा रहा था। हम यंग पार्टी बाकी है तो यंग पार्टी हम यहाँ से जा रहे हैं। कोई भीड़ है यहाँ आज, अभी ये आज अभी भी कहीं भीड़ है, कहीं भीड़ है, अरे भाई वो खतरनाक भीड़ है। रोशनी यहाँ पे भी हमको मिल चुकी है, हाँ, और बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग मान ही नहीं रहे सब, लोग देख लो यहाँ पे मान ही नहीं रहे हमारे से। घर पे आ चुके हैं और मंदिर में तो इतनी भीड़ थी ना, बड़ी मुश्किल से हमने पूजा की है, लोग मान ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। मैंने इतको लोग समझने के लिए तैयारी नहीं है, सबको पूजा करनी है, पर सबको पूजा तो एक जने को करनी नहीं है, सबको करनी है, तो सबको धीरे धीरे मौका देना चाहिए ना, लाइन में लगे कुछ नहीं, देखा होगा इतनी भीड़ थी, बाप रे। तो अभी मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ क्योंकि पूरे नीचे से साड़ी भीग गई है, चेंज करके फिर कथा सुनने जाती हूँ पुराने घर पर। कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब जा रही हूँ मैं पुराने घर पे कथा सुनने के लिए क्योंकि सब औरतें मिलके हम वहीं पर कथा सुनेगी। चेंज करके इतना अच्छा लग रहा है ना, फ्री फ्री, वाकई यार हेवी कपड़े पहनने की आदत छूट गई है। फेस्टिवल सब आ रहे हैं, अब होगी हो गया, ओ बाप रे केमेम कुछ हो गया, देखो देख तो कथा सुन ली है, अब व्रत खोलते हैं। मेरा तो नहीं है, मम्मी का है व्रत, क्योंकि मम्मी पूरे दिन ठंडा खाना सुबह खा के फिर शाम को भूखे ही रहेंगे, और मम्मी ने हमको तो मना ही बोल रखा है क्योंकि ठंडा खाना फिर इतना बनता है, खाएगा कौन, दोनों टाइम खाओ, मम्मी कर मैं कर रही हूँ व्रत। यो ये हमारा आज का खाना, रबड़ी, तोरे की सब्जी, केकोड़े की सब्जी, पराठे, पूड़ी। तो अब खाना खा लेते हैं, मम्मी के लिए भी खाना लगा दिया, मम्मी भी चेंज करके अभी मेरे साथ खाना खाने बैठ जाएंगे। खाना हो गया है और अब मैं जा रही हूँ शॉप पे क्योंकि कस्टमर आ गए, सो इसीलिए फटाफट से पहुँचती हूँ। नेहा और सबके कॉल्स भी आ गए, सब जने ठंडा खा के आ गए घर से, और सुबह तो थोड़ी थोड़ी बारिश थी, अभी हल्का सा मौसम खुल गया है पर पता नहीं कब तक खुला हुआ रहेगा, मर्जी बड़ी तो थोड़ी देर में चालू। सैलून पे अभी चल रहा है काम, अभी जस्ट हुए हैं फ्री, सो रोशनी का यहाँ पर हो रहा है ब्लो ड्राई, प्रैक्टिस में आज ब्लो ड्राई सिखा जा रहा है। मोस्ट मालिक थी प्रैक्टिस मिलेगी तो जो मिलेगा उससे ही करेंगे ना। और मैं क्या कह रही थी, आज तो रबड़ी खा के सबको नींद आ रही है क्योंकि सबके घर में ऑलमोस्ट रबड़ी तो बनी ही है, और रबड़ी से क्या नींद आ रही है, मैं खुद दो बार सोती सोती रही हूँ पर जागना है नहीं, तो रात को मेरे को नींद नहीं आएगी। अभी सैलून का काम ऐसे ही नहीं सीखा जाता, कितनी बार कटते हैं, कितनी बार जलते हैं, एक बार मैं यहीं पे जल गई थी। क्या
कर्ल कर रही थी मेरे बालों को, यही जल गई थी। ऐसे काम सीखा जाता है फुल मस्ती के साथ। यानी डर तो बिल्कुल है ही नहीं मेरा। मेरे रोशनी ने इसका नया कैमरा ढूंढा है, कब से इससे व्लॉग बना रही है। पर देखते हैं शूट कितना हुआ है इस कैमरे के अंदर। हाँ, उसी को भी रात को करेंगे। हाँ, परफेक्ट हुए भावना से। वेरी गुड भावना, भावना रियली वेरी गुड। 100 से 100 पूरे। भावना जितनी डांट खाती है उतना काम भी जोरदार करती है। सलोन में काम हो गया है कंप्लीट। आज सब जनों को सुस्ती आ रही है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। और बाहर बारिश हो रही है, सुबह तो नहीं हो रही थी। बारिश का मौसम हो गया है बाहर वापस से, क्योंकि दोपहर में गिरी नहीं है बारिश। हम जब पूजा करने जा रहे थे तब फुहारे आ रहे थे, वापस आ रहे थे तब भी आ रहे थे, फिर दोपहर में बंद हो गई थी, अब वापस चालू हो गई है बारिश का। कुछ इस टाइप से ही सीन चल रहा है। सब जने आलस खा के आगे आके बैठे थे। फिर आगे आके बैठने के बाद 6:30 बज गई, 6:30 ऊपर हो गई। अब चलती हूँ घर पे, 6:40 हो गई है, क्योंकि आज तो घर जाके खाना वाना कुछ बनाना नहीं है। शायद शाम को चूल्हा लगता है तो मम्मी को पूछूंगी, अगर बनाना होगा तो बना लूँगी। चिकू आ गए लेने के लिए। तुम्हारे इस बाल तुमने ऐसे क्यों बनाए? अरे मैंने बनाए यूँ थे पूरे। क्या यूँ बनाए थे? ऑटोमेटिक धीरे 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 धीरे, इसलिए पीछे बनाए थे। और मौसम बहुत शानदार हो गया है, एकदम आधी धूप, आधे बादलों के पीछे छुपा हुआ सूरज, मस्त क्लाउड से इतनी अच्छी रोशनी आ रही है। घर जा रही हूँ, मम्मी क्या कहते हैं, फिर नहीं खाने की तैयारी करते हैं। मम्मी पास में नहीं है? नहीं, मम्मी तो बोल रहे हैं खाना नहीं बनाना है क्योंकि खाना पड़ा हुआ है, वो कौन खाएगा फिर, तो खाना बनाना हो गया कैंसिल। मैं मस्त चिल कर रही हूँ, सीरियल देख रही हूँ मेरा, वो तो है अलबेला जो मैं देखती हूँ। बहुत टाइम हो गया देखा नहीं है, तो मैंने कहा क्यों ना आज टाइम है, तो 2-3 एपिसोड जो बच गए हैं, 2-3 क्या बहुत सारे हैं, मैंने वो चिट चाट कर करके देख लेती हूँ। और मस्त थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी शांति से एकदम। और बारिश अभी फुल आ गई थी, मैं इधर मंदिर बैठ के सीरियल देख रही थी और बाहर फुल बारिश तेज एकदम। चिकू भी शॉप पर अटक गए थे, इधर आ ही नहीं पा रहे थे। और टाइम अभी 7:30 हो रही है। आज मेरे पास कुछ काम तो नहीं है, मैं फ्री हूँ, खाना बना हुआ है, तो मैं रेस्ट कर ही रही थी। तो चिकू इधर व्लॉग एडिट कर रहे, तो मैंने भी सोचा और चिकू ने भी मेरे को कहा कि क्यों ना तू व्लॉग एडिट करना सीख मेरे पास बैठ के। चिकू एडिट कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ मैं देख रही हूँ और साथ साथ में वो मुझे सिखा भी रहे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़ गलत है क्योंकि मुझे अब प्रैक्टिस करनी है और मुझे मेरे व्लॉग्स खुद एडिट करने हैं, क्योंकि चिकू ने मुझे एक बार पनिशमेंट दी थी, आपको जैसे कि पता ही है मैं व्लॉग्स उस टाइम पर अच्छे नहीं बना रही थी। कभी कभी नहीं बनते अच्छे क्योंकि हर टाइम मेरा भी मूड अच्छा नहीं हो पाता है ना, पर उस पनिशमेंट को मैंने ध्यान में रखा। इसके बाद अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए हैं और आपने उन व्लॉग्स को लाइक भी किया, जिन्होंने किया वो कर दो। और अभी मैं व्लॉग एडिट करना सीख रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट हमारी पूरी टाइमलाइन बन चुकी है, अब एडिटिंग स्टार्ट हो रही है। अभी तो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस देखने की चल रही है, प्रैक्टिकल भी होगा और कुछ टाइम के बाद तो मैं ही मेरे ब्लॉग एडिट करूँगी। चिकू मुझे पूरे कंप्लीट सिखा रहे और मैं भी सीख रही हूँ। टाइम कम मिल पाता है इसलिए हम दोनों ये काम कर नहीं पाते, पर आज टाइम मिला है, क्यों ना इस टाइम को कंज्यूम किया जाए। तो मैं व्लॉग एडिट करना सीख रही हूँ यहाँ पर, और खाना ठंडा बचा हुआ है वो खा लेंगे थोड़ी देर में। भूख तो है नहीं, रबड़ी खाई थी इसलिए पेट फुल ही लग रहा है। आज तो रबड़ी से बहुत ज़्यादा नींद जैसा ही हो रहा है, वापस रबड़ी खा के सो जाएंगे। अगर आज का व्लॉग आपको देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और हाँ, जो आज मैंने साड़ी पहनी थी उसका ब्लाउज बिल्कुल सेम ही था मेरे पास, तो मैंने उस साड़ी को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए मैंने उसके ऊपर रेड ब्लाउज वेयर कर लिया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही देना। बाय।